बहुत अच्छे हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि होगा अफोर्डेबल और होगा मस्ट हैव। ये प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए एक सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है जो लोग नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, ब्यूटी ब्लॉगिंग का चैनल, जैसे कि ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होने वाले हैं। उन लोगों का एक प्रॉब्लम बहुत होते रहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट परचेज करे, कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट से शुरू करना चाहिए, ब्रांड कौन सा होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए एक मेकअप वीडियो करने के लिए बिगिनिंग में, और क्या क्या ब्रशेस चाहिए, एप्लीकेटर्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारे प्रोडक्ट्स। और प्राइस की भी एक बात होती है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो तो अपने जो पॉकेट मनी से है उसी से परचेस करते हैं, तो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए अफोर्डेबल। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देख लीजिए मैंने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है न्यू यूट्यूबर्स के लिए। फेस प्राइमर के लिए मैं जरूर सजेस्ट करूंगी NY Bay का फेस प्राइमर। ये प्राइमर एक अफोर्डेबल प्राइमर है और सिलिकॉन बेस प्राइमर है। फाउंडेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास कोई भी फाउंडेशन नहीं है तो आप मूज टाइप का कुछ फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि है लैक्मी 925 का वेटलेस मूज फाउंडेशन। अंदर का पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। आप ज़रूर इस तरह के कुछ फाउंडेशन से अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि है लैक्मी 925 का CC दैट इज कलर ट्रांसफॉर्मेशन क्रीम। मेरा शेड है बेज, तो आप ऐसे एक CC क्रीम का यूज भी कर सकते हैं शुरुआत में। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मेबलिन का फीट मी कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर रिकमेंड करूंगी। 199 रुपीस में मिलते हैं ये पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, और एकदम ही पोरलेस फीट मी मैट कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, और इसको आप ज़रूर बिगिनिंग में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको वेट एंड वाइल्ड का ये वाला आई शेडो पैलेट, स्पेशली ये वाला शेड जो है ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसमें इतना सारा शेड्स है जो आपके बहुत काम में आ सकते हैं, जैसे कि ये सारे शेड्स आप कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं, इसको आप अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में इसी पैलेट से अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ, और ये जो ब्राउन शेड है मैं इसको यूज करती हूँ। आप ये शेड से अपने कंटूर कर सकते हैं और अदर्स जो कलर से अपने आई शेडो में भी भर सकते हैं। तो ऐसा अगर एक आई शेडो आपके पास है तो बिगिनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत दिन तक आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं ये आई शेडो पैलेट आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, अंडर 250 ये हिलारी रोदा का आई शेडो पैलेट आ जाते हैं और बहुत ही पिगमेंटेड है। सारे शेड्स इसमें अवेलेबल है, फ्रॉम ब्लू टू येलो टू ग्रीन टू स्काई ब्लू टू पिंक, सारे शेड्स इसमें अवेलेबल है। आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं अगर आप एक नए ब्यूटी ब्लॉगर की तरह अपने चैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप अलग से कोई हाइलाइटर खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी अफोर्डेबल रेंज में वेट एंड वाइल्ड का ये वाला पैलेट आप ले सकती है। वेट एंड वाइल्ड का ये वाला जो हाइलाइटर है इसको मैंने बिगिनिंग में बहुत यूज किया है, अभी भी करती हूँ। आप इसका हालत देख सकते हैं कि ये एकदम खत्म हो चुका है। तो ये जो पैलेट है ये वाला शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सारे लुक के साथ ये वाला शेड बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। बिगिनिंग के लिए मैं एक दूसरा हाइलाइटर आपको सजेस्ट करना चाहूँगी और वो है लैक्मी का फेस शीर। ये बहुत ही पहले का एक मॉडल है जो मैंने एकदम ही बिगिनिंग में परचेस किया था, तब मेरे यूट्यूब चैनल में आने का कोई भी प्रोग्राम भी नहीं था, बट उसके कुछ ही दिन बाद मैं यूट्यूब चैनल पे आ गई। तो ये वाला जो हाइलाइटर है मुझे बहुत दिनों तक सपोर्ट दिया। ये कुछ अलग तरह के है, इसके अंदर ऐसे स्पंज है जिसको आप अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोट करोगे तो आपका हाइलाइटर बाहर आएगा। एप्लीकेशन में ज़्यादा तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि इसको अप्लाई करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बट आपको जो मैंने वेट एंड वाइल्ड वाला दिखाया है ना,
वो आपके लिए परफेक्ट होगा बिगिनिंग में। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर इसको परचेस कर सकते हो। अभी मैं बोलूंगी कंसीलर के बारे में। कंसीलर तो अफोर्डेबल रेंज में बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में। बट अगर आपको पहले से ही एक ऐसा कंसीलर चाहिए जो कि फुल कवरेज देते हो या आपके मेकअप को बहुत अच्छी तरह से सेट कर देता हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप ज़रूर मेबलिन का ये वाला कंसीलर ट्राई करें। मेबलिन फिट मी का ये कंसीलर है, सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये हाई रेंज में है, अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आता है। ये 400 प्लस है बट 500 प्लस नहीं है, तो आप ज़रूर इसको परचेस कर सकते हैं बिगिनिंग में। काजल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेकअप लुक और नो मेकअप मेकअप लुक। तो आपको एक बहुत अच्छा सा काजल भी कैरी करना पड़ेगा, मस्ट हैव है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लैक्मे का ही काजल यूज़ करें, डीप ब्लैक वाला यूज़ करें। इससे आपके आई को बहुत अच्छा सा डेफिनेशन भी मिलता है और ब्रांड भी बहुत अच्छा है, 22 आवर तक लॉन्ग लास्टिंग भी है। अभी मैं बोलूंगी आईलाइनर के बारे में। तो मेरे पास है मेबलिन का द कलोसल आईलाइनर। ये वाला आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिगिनिंग के लिए हो या प्रोफेशनल टच के लिए हो। ये वाला आईलाइनर बहुत अच्छा है अगर आप बिगिनर है, अगर आप अभी अभी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये वाले आईलाइनर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक आईलाइनर आपके झट से कभी ड्राई नहीं होता है, 1 to 1.5 years तक तो आप इसको ज़रूर चला सकते हैं। और इसको मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसके जो टिप है आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प है, तो आपको एप्लीकेशन में बहुत ही इजी होगा, तो इसीलिए मैं इसी आईलाइनर को आपको रिकमेंड करूंगी। अब बारी है मास्कारा की। अगर आप बिगिनर हो, नए नए यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, तो आप ज़रूर ये वाले मास्कारा को ट्राई कर सकते हो, मेबलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस इजी वॉश वाला मास्कारा। ये तो वाटरप्रूफ है नहीं, इसीलिए इसका रेंज थोड़ा सा कम है। तो अफोर्डेबल कैटेगरी में ये आते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी का भी है। अगर आप बिगिनर हो तो आप ज़रूर इसी मास्कारा को ट्राई करना, बाद में तो आप वाटरप्रूफ ले ही सकते हो। इसका जो येलो वाला पैक आता है ना, जो मैं मेरे हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ अफोर्डेबल लिपस्टिक्स जो कि आप कैरी कर सकते हो एज अ बिगिनर। तो पहले मैं दिखाऊंगी ये है लिप टिंट। सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स अंडर 400 है, डिस्काउंट में और भी आपको मिल जाएगा सस्ते में। तो एक है ये लिप टिंट जो कि रेड में आता है, ये है आई एम स्टार वाला लिपस्टिक, ये भी लिक्विड लिपस्टिक है, ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। ये है डार्लिंग इसाबेला का लिपस्टिक, आपको सभी लिपस्टिक के बारे में पता है क्योंकि ये आप हर बार मेरे वीडियो में देखते हो। ये एक क्रेयॉन लिपस्टिक है, आई एम स्टार वाला क्रेयॉन लिपस्टिक। ये है मेबलिन का इंटेंस क्रेयॉन वाला, सारे अफोर्डेबल में आते हैं। ये है नायका का मिनी वाला लिपस्टिक, ये दोनों ही मैंने आप लोगों के साथ स्वॉचेस शेयर किया है सभी। ये तो 300 के अंदर आ जाते हैं ये मिनी वाला। ये भी डार्लिंग इसाबेला का एक पिंक शेड में है। ये कलर एसेंस का एक रेड लिपस्टिक है और ये है लैक्मे एनरिच का लिपस्टिक। इसका शेड मैं दिखा देती हूँ, ये तो बिगिनिंग के लिए बहुत ही अच्छा वाला है, ये रेड शेड में आते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्लश, और ये ब्लश है मेबलिन का कलर शो ब्लश। ऑरेंजिश पिंक सा ये एक शेड है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मेरे बिगिनिंग में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अभी मैं तरह तरह की हैक्स करके मेरे ब्रशेस को यूज़ करती हूँ, बट ये ब्लश मुझे बहुत दिनों तक सर्विस दिया। तो ये भी अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं है तो। फाइनली करना है सारे मेकअप को फिक्स, जिसके लिए आपको चाहिए एक मेकअप फिक्सर स्प्रे। तो ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर स्प्रे, मैं तो अभी भी इसी को यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने परचेस किया है वेट एंड वाइल्ड का, तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है जिसके वजह से मैं वो नहीं खोल रही हूँ। ये अभी भी बहुत सारा है और ये अंडर 200 या 250 ये आ जाता है, ये आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा।
मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप परचेस करना चाहते हैं अफोर्डेबल रेंज में कोई भी ऐसे मेकअप फिक्सर स्प्रे, यू कैन डेफिनेटली परचेस दिस। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड मेकअप फिक्सर स्प्रे और ये एकदम वेटलेस है। अभी बारी है एप्लीकेटर्स वगैरह शेयर करने की। तो एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर होना ज़रूरी है। तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैक लिखा हुआ है बट ये मैक का फर्स्ट कॉपी है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट वाला ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मैंने कॉम्बो में लिया था, और सारे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं इसके साथ वो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और साइड में जो ब्रश आप देख रहे हैं ये है ब्रश, और इसको कहते हैं ओवल शेप फाउंडेशन ब्रश। इसको भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था, अंडर 100 रुपीज़ ये आ जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करने में मदद करता है। ये है एक बिगिनर वाला ब्रश सेट जो कि है नेकेड ट्री अर्बन डिके का, और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे मिल जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल सा है, अंडर 200 आ जाते हैं। इसके ब्रशेस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये है सारे ब्रशेस, इसमें 12 ब्रश का सेट आते हैं, आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। और ब्रश बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा वाला है, मैंने तो बहुत दिन तक ये वाला ब्रशेस यूज़ किया है। और एक अच्छा सा बिगिनर वाला ब्रश सेट मेरे पास है, और ये है फॉक्स स्टोर का मेकअप ब्रश। इसका वेबसाइट पे दिया हुआ है foxstore.com, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या आपको ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारे ब्रशेस के नेम्स दिया हुआ है और अंदर इतना सुंदर पिंकिश सा ये ब्रश है। आप अगर बिगिनर हो तो डेफिनेटली ये वाला ब्रश भी आप परचेस कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया है, अगर आप नए यूट्यूबर होने वाले हो, यूट्यूब ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन कर चुके हो, इतने दिन कन्फ्यूजन में थे कि कौन से प्रोडक्ट आपको परचेस करनी चाहिए मेकअप प्रोडक्ट्स, तो आप ज़रूर ये सारे प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना यार, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर।